हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी आर्ट स्टूडियो। मैं आर्किटेक्ट बबीता आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज टॉपिक है वो है इंडोर वाटरफॉल वॉल के बारे में है, जिसे हम फाउंटेन वॉल भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एक इंटीरियर पार्ट के लिए, जो देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। और हम जब इसको इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं तो इनका जो लुकअप होता है, जो इंटीरियर का पूरा व्यू होता है, वो एक अलग ही वे देता है। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल और किस तरीके से हमारे इंटीरियर को डेकोरेट करता है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं वास्तु की, कि वास्तु का जो एलिमेंट होना चाहिए वो हमारे घर में किस साइड होना चाहिए या किस जगह पे हमारे लिए सुटेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें घर में वास्तु के अकॉर्डिंग वाटर का एलिमेंट रखना चाहिए वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, नॉर्थ के डायरेक्शन में। इसको साउथ में या साउथ वेस्ट या वेस्ट के किसी भी जोन में नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और ख़ास करके इसको अपने प्रॉपर्टी के मिडिल में ना रखें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मिडिल का जो पार्ट होता है वो बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है, तो उसको मिडिल में ना रखें। आपने देखा होगा आजकल के टाइम में हमने ऐसे वाटरफॉल देखे होंगे, ऐसा लगता है जैसे पूरे ग्लास के स्क्रीन पे वाटरफॉल हो रहा है। और ये छोटे जगह में भी बन सकते हैं और ये बड़े जगह में भी बन सकते हैं। आपने कई बार कई जगह पे आजकल मॉल्स में, होटल्स में और इंडोर्स में, अच्छे इंटीरियर्स में, इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलते हैं हमें। ये अलग अलग तरीके से बना सकते हैं इसको छोटे, ये एक्चुअली बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटी सी स्पेस में भी बन सकता है और बहुत बड़े स्पेस में भी बन सकता है। आज के मॉडर्न टाइम में वाटरफॉल या फाउंटेन वॉल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसको किसी भी तरीके से हम अपने घर में किसी भी छोटे स्पेस में भी बना सकते हैं। आपने कई जगह इसको ग्रीनरी के साथ देखा होगा और कई जगह हमने इसको छोटे से एक पार्ट में भी देखा होगा, या किसी एक छोटे से वॉल के अंदर फिक्सअप भी देखा होगा, या किसी भी छोटे से निच में भी इसको देखा होगा। ये अलग अलग तरीके से आपको दिख सकते हैं, लाइक बबल के साथ दिख सकते हैं, प्लेन वॉल पे दिख सकते हैं। पहले के टाइम में हम जो यूज़ करते थे वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन, जो अपने घरों में यूज़ करते थे, ये कुछ इस तरीके से दिखते थे। हम एक्चुअली वाटरफॉल या जो फाउंटेन वॉल होती है इसको थोड़ा सा लग्जरियस लुक देती है हमारे घर को, इसलिए हम अपने घर में प्रेफर करते हैं कि हम अगर कहीं पे भी वाटरफॉल वाली कोई प्लेस है या कोई जगह है या हम बहुत अच्छा इंटीरियर करा रहे हैं, तो हमारे घर में ऐसा एक प्लेस होना चाहिए जो थोड़ा सा लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगे और उस ग्रीन वॉल को या फाउंटेन वॉल को भी हम बहुत अच्छा लुक में मॉडिफाई कर सकें। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा वाटर फीचर होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। और फाउंटेन वॉल वाटर फीचर का अपना एक बेनिफिट होता है, लाइक इसको मानते हैं कि ये पावर ऑफ एनर्जी का साइन है, और जो ये सिंबल है ये है सुख शांति और इनकम का। और दूसरा कि हम अगर इसको कहीं पे भी अपने घर में रखते हैं या बाहर रखते हैं या ऑफिस में रखते हैं, तो ये उस जगह को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो हमने आजकल के टाइम में देखा होगा कि एक आपको ऐसी स्क्रीन टाइप की दिखेगी जिसके के अंदर एक वाटरफॉल हो रहा होगा और नीचे उसके एक फ्रेम होगा और ऊपर उसके एक फ्रेम होगा। ये बहुत अलग अलग आपको लाइटिंग में दिख सकता है, अलग अलग साइजेस में दिख सकता है। तो जब हम इस तरीके का कोई वाटरफॉल देखते हैं या ऐसे बबल वाला कोई वाटरफॉल देखते हैं, थोड़ा सा इसका एक टेक्निक बताती हूँ कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है घर में। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से फिट होता है या किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं या अपने घरों में किस तरीके से इसको लगवा सकते हैं। तो ये वाटरफॉल के आप इमेज देख रहे होंगे, इसके ऊपर वाला जो आप एक फ्रेम देख रहे होंगे, ये एक पूरा फ्रेम लगता है ऊपर और नीचे दोनों बोथ साइड, और ऊपर की साइड में एक पाइप चलती है जिसके अंदर से के छोटे छोटे होल होते हैं और छोटे छोटे उसमें फिटिंग लगी होती है जिसमें से पानी बाहर निकलता है, वो वाटरफॉल का काम करता है। और इसमें हमें मोटर की ज़रूरत होती है और ये सारी एलिमेंट की ज़रूरत होती है, सारी फिटिंग की ज़रूरत होती है जो इस स्क्रीन वाटरफॉल के लिए लगाते हैं। इसमें से नीचे से पंप वाटर को प्रेस करता है और ये पानी ऊपर से आपको पाइप के थ्रू पूरा फ्लो होते हुए नीचे तक दिखाई देगा।
इसमें ये छोटी छोटी जो फिटिंग्स होती हैं इन सब का बहुत ध्यान रखना होता है, या जहाँ पे भी आप लगा रहे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से पहुँचेगी, या थोड़ा सा प्लम्बिंग का जो वर्क है वो किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। ये आप घर की किसी भी जगह पे लगा सकते हो, ऐसा कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि आप इसी जगह पे लगा सकते हो, या आपके घर के किसी भी सेंटर पार्ट में लगा सकते हो, साइड में लगा सकते हो, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो और ये बहुत ही गॉर्जियस लुक देता है। कई जगह आपने देखा होगा कि ऐसे उस वाटरफॉल के अंदर ऐसे स्क्रीन भी चलती है, लाइक ऐसे आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ वायरिंग सी है, तो ये ऊपर और नीचे उसी पैनल में होल कर दिया जाता है जिसमें से आपकी वायरिंग चलती है, वायरिंग के थ्रू ही वाटर का फॉल होता है कुछ इस तरीके से। इसकी फिटिंग ऊपर और नीचे सेम जगह पे हो जाती है और उसके थ्रू आपका वाटर का फॉल होता है, जिसकी वजह से लगता है कि ये पाइप के थ्रू नीचे पानी आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से देखने में आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर देते हैं। नीचे इसका पंप लगा होता है जो पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। देन कई जगह पे आपको इस तरीके से पाइप के अंदर लगता होगा कि आपको कि ये एक एक फ्लो में पाइप के थ्रू वाटरफॉल हो रहा है, तो हाँ ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का आप राउंड अप ले सकते हैं या कोई ट्रांसपेरेंट ऐसे पाइप ले सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको पूरा कवर कर देते हैं। इस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्लास का या ऐसे पाइप का किसी का भी स्क्रीन वॉल बनाते हैं तो इसमें फिटिंग का लाइक इस जो हम ग्लास को जोड़ रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हम उसको किस तरीके से इतने अच्छे से फिट करें कि हमारा कोई भी लीकेज ना हो। तो आपको बहुत सारे अलग अलग कलर में भी दिख सकते हैं, लाइक वाइट में, पर्पल में, ब्लू में, रेड में, ग्रीन में, हर तरीके के कलर में आपको ये अवेलेबल हैं। लाइक कि इसमें एक अंदर की साइड में पूरी LED स्ट्रिप लगती है जिसके थ्रू इसका कलर चेंज होता है। ये रिमोट के थ्रू भी इसका कलर आज LED लाइट लगा के कलर चेंज कर सकते हैं। कई जगह हम ऐसे ट्रांसपेरेंट स्क्रीन भी देखते हैं, लाइक अगर आप बाहर लगा दें तो हमें पीछे का भी पूरा स्क्रीन दिखता है, और कई जगह आपने इस तरीके से वॉल पे अगर आप फिटिंग करा रहे हैं या कहीं बीच में भी आप कहीं रख रहे हैं, किसी मॉड्यूल के अंदर भी करा रहे हैं, तो हम ग्लास के पीछे जो भी एलिमेंट लगाएंगे वो उसका रिफ्लेक्शन देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई थिंक आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।